तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को आप कैसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब जो मेथड नंबर वन है वो है कंसेप्चुअल मेथड, जो है स्टैंडर्ड मेथड, और जो मेथड नंबर टू है वो है ट्रिकी मेथड। तो ज़रूर से पूरी वीडियो देखेगा ताकि आपको दोनों ही मेथड समझ आ जाए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी हमें रैंक निकालनी है। अब जो मैट्रिक्स गिवन है वो है 3x3 मैट्रिक्स, तो रैंक हो सकता है आइदर 0 या फिर 1 या फिर 2 या 3, बट रैंक 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। एक इतना बेसिक आइडिया तो आपको है ही। अब जो मेथड नंबर वन है वो है कंसेप्चुअल मेथड, जो कहता है आप फाइंड कीजिए कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। तो आपने अगर गिन लिया कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, वो आपकी बन जाती है रैंक। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। बट फिर एक डाउट आता है, ये जो रोज़ है वो रो कैसी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब आप ये काउंट कर रहे हो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़, तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो होनी चाहिए रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म में मैट्रिक्स होनी चाहिए। जबकि ये जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला टास्क आपका बनता है कि मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। आपको कैसे करोगे, ये जो टर्म है इसको आपको ट्राई करना है ज़ीरो, आपको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे आप कैसे इस टर्म को ज़ीरो बना सकते हो, आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री प्लस आर टू, क्योंकि जब ये टर्म इस टर्म से ऐड होगा तो -7 + 7 आपके पास बन जाएगा ज़ीरो। तो मैंने यहाँ पे जो रो थ्री है उसको चेंज कर दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रो थ्री इज आर थ्री प्लस आर टू, तो -7 + 7 ज़ीरो बन जाता है। फिर 0 + 4 आंसर बन गया 4, फिर है -4 + 8, तो यहाँ पे आंसर बन जाता है 4। बट अभी भी ये रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि अब आप यहाँ पे सिमिलैरिटीज देख पा रहे हो, जो रो वन है वो सिमिलर टू रो थ्री है। क्योंकि अगर आप अब रो थ्री को चेंज करते हो रो थ्री बाय रो टू, तो ये बन जाती है सेम एज रो वन, ठीक है। अगर आप करते हो इस चीज़ को डिवाइड बाय टू, तो आप देख पा रहे हो कि जो रो थ्री है अब रो वन के बराबर बन जाती है। तो मैंने क्या करा, सेकेंड स्टेप में रो थ्री को चेंज कर दिया रो थ्री बाई टू माइनस रो वन, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी जो रो है अब वो ज़ीरो बन गई। क्यों, क्योंकि ये टर्म बन जाता है 0 - 0, ये टर्म था 2 - 2, सिमिलरली ये टर्म भी था 2 - 2। तो इस प्रकार हमारी रो थ्री तो ज़ीरो बन जाती है। और अब अगर आप देखते हो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज, तो यहाँ पे तो दो है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज, इसके लिए रैंक क्या बन गई, 2। तो ये था मेथड वन जहाँ पे आपने कंसेप्ट यूज़ किया। अब जो मेथड टू मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे ट्रिक है, ये मेथड आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करोगे। अब जो मेथड नंबर टू है वो है डिटर्मिनेंट पे बेस्ड। अब कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, अगर आप निकालते हो 3x3 की डिटर्मिनेंट और आपको आंसर क्या मिल सकता है, आइदर 0 मिल सकता है या फिर नॉट इक्वल टू 0। अगर आंसर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंक जो है वो 3 के बराबर नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो श्योरली आपकी जो रैंक है वो 3 है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ये जो रैंक है वो 3 के बराबर नहीं है तो आपको करना क्या चाहिए। फिर आपको करना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2, यहाँ पे भी दो कंडीशन, वो 0 के बराबर हो सकती है या फिर नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 होती है तो आपकी श्योरली रैंक क्या है, 2। बट अगर इक्वल टू 0 है तो रैंक क्या है, नॉट इक्वल टू 2, और इसका मतलब रैंक जो होगा वो बनेगा 1। तो समझ आ गया, यहाँ पे ये है आपका जो है फ्लो, आपको ये फ्लो फॉलो करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में अब वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब यहाँ पे आप 3x3 के डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। तो डिटर्मिनेंट आप निकालिए, आंसर आपको यहाँ पे मिलता है 0। अगर आंसर 0 मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रैंक तो 3 नहीं है। अगर रैंक 3 नहीं है तो आपको नीचे जाना है, सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 आपको निकालनी है। अब कौन सी भी आप 2x2 डिटर्मिनेंट ले सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या करा है इस वाले बॉक्स को पकड़ा है। तो ये है 2x2, इसकी अब मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0, 2, 7, 4, इसकी मुझे आंसर मिलती है -14। अगर -14 मेरी आंसर है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर जो बन गई वो है 2। तो रैंक जो है वो यहाँ पे 2 है। तो काफ़ी आसान है, अगर आप ये जो मेथड 2 अप्लाई करते हो तो चीज़ों को आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, दिस इज श्रेनिक जैन, पीस आउट।